क्या बात है जहां पना, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नजर तो आ रहे हैं, मतलब नजर आ रहे हैं क्योंकि परेशान हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम परेशान हैं? झापना, जब हम परेशान होते हैं तब हम भी ऐसे ही गर्दन घुमाते हैं। ओहो, फिर? फिर हमारी बीवी बड़े प्यार से हमारे कंधे दबाती हैं और हमारा मन शांत हो जाता है। झापना, हम तो कहते हैं कि आप भी अपने कंधे दबा लीजिए। ये सही बात है, बुलाइए अपनी बीवी को। हमारी बीवी को क्यों? अरे अभी तो आपने बताया कि आपकी बीवी कंधे दबाती है तो आपका मन शांत हो जाता है। वो यहाँ पर आएंगी, हमारे कंधे दबाएंगी, हमारा मन भी शांत हो जाएगा। बुलाइए उन्हें। मजाक कर रहे हैं आप। आज मत बुलाइए, कभी और। मजाक। खैर, हमारी परेशानी तो ठीक 6 महीने बाद ही दूर होगी, क्योंकि हमारे परेशानी की जड़ है हमारी सासू अम्मी, जो 6 महीने बाद ही यहां से जाएंगी। आपने कुछ सुना तो नहीं? हम बहरे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बीरबल, ये बताइए कि काबुल से कुछ खबर आई? जी जापना, शहजादे सलीम अपने जिगरी दोस्त पवन की शादी के लिए काबुल सुरक्षित पहुंच चुके हैं। खुश किस्मत है शहजादे सलीम जो पवन की शादी में काबुल गए हुए। ऐसा क्यों कह रहे जापना? मुझे पता है बीरबल जी, सलीम भाई साहब अपने दोस्त पवन की शादी में बादाम पिस्ते अखरोट खा रहे होंगे और फूफू यहाँ दादी साहब की डांट खा रहे हैं, वो भी दिन में कई बार। खामोश खरगोश। बीरबल, ऐसे हम भी सोच रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए अपने इस महल को छोड़कर कहीं बाहर छुट्टी के लिए चले जाएं, सुकून आराम की जिंदगी जिए कुछ दिनों के लिए। ना, महारानी दुर्गावती की इजाजत के बिना कौन ही जा सके है दामाद साहब, ये महारानी दुर्गावती का हुक्म से। सासू अम्मी, क्या हम जान सकते हैं कि हम कहीं क्यों नहीं जा सकते? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें माफ कर दीजिए। ये माफी मांगने के अलावा और कोई चारा है भी नहीं हमारे पास। जहां पना, माँ साहब से बहुत गुस्सा है, माँ साहब से बहुत गुस्सा है, आपसे गलती हुई है। कौन सी? आप जरा अपना भाला हमें दीजिए। क्यों? हमें अपना गला साफ करना है, हमारी आवाज बाहर नहीं आ रही है। जी जहाँ अपना मुंह खोलिए, अभी साफ कर देता हूँ। लौट आई, हमारी आवाज लौट आई। नहीं, हम खाली कह रहे हैं सासू अम्मी, इंसान से अगर कोई गलती होती है तो दूसरे इंसान को उसे माफ कर देना चाहिए। वैसे ही अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप हमें माफ कर दीजिए ना। ठीक है, थारे को थारी गलती सुधारनी से जी, तुम्हारी गुड़िया रानी के लिए एक नया महल बना। बस इतनी सी बात? अरे अभी जाकर बनाकर लाते हैं। ओए ओए, जहाँ बना, कहाँ जा रहे हैं आप? महल बनवाने को बोल रही है माता, कोई गहना बनवाने को नहीं कि यूं गए और यूं वापस आ गए। ये भी आपने सही कहा रानी साहिबा, लेकिन आप घबराइए मत, आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार नए महल बनवा देंगे हम। देखिए रानी साहिबा, हमारा ये जो महल है रियासत के सबसे सुरक्षित और मजबूत महलों में से एक, ऐसा दूसरा महल बनाने में सालों लग जाएंगे। वैसे भी दूसरा महल क्यों बनवाना है? क्यों बनवाना है? अरे अभी अभी हमारी गुड़िया रानी मरते मरते बची से। दामाद साहब, इतना कमजोर महल बनवाया है, चूना पपड़ी गिरे हमारी गुड़िया रानी के सर पर।
मन्ने को ये महल सुरक्षित ना लगे। रानी साहिबा, आपके सर पे चूना गिरा है, पूरी की पूरी छत नहीं गिरी है जो आप इतना हो हल्ला कर रही हैं। तमाचा, महारानी दुर्गावती कहवे से थारो ये महल पुरानो हो गए से, इसमें रहना सुरक्षित ना से। जापना, हमें ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से हमने महल की मरम्मत नहीं की, इसलिए ये सब हो रहा है। जल्द से जल्द हमारे इस महल की मरम्मत कर देनी चाहिए। बीरबल, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ये। सासू अम्मी, हम पूरे महल की मरम्मत करवा देते हैं, साथ साथ में नया रंग रोगन भी करवा देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें नया महल बनवाना चाहिए तो हम वो भी बनवा देंगे। ठीक है, और ये पूरा काम थे थारो निगरानी में करो, और ये महारानी दुर्गावती का हुक्म से। चल गुड़िया रानी, खरीफ पट्टी कर दे। हाँ माता, चल। जरा सा चूना गिरने पर पट्टी करेंगी। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, जहां पर हम तो बह रहे हैं, याद है हमें, बस बहुत हो गया ये सब। वजीर आजम, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी अच्छे कारीगर को लेकर आइए और पूरे महल की मरम्मत करवाइए, और ये सब आपकी निगरानी में होना चाहिए। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का हुक्म है। जी जी जापना। बलदेव जी, बड़े मशरूफ लग रहे हैं आज। बीरबल जी, हम तो हमेशा ही मशरूफ लगते हैं। क्या है ना कि ईश्वर ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, ऊपर से हमारी ये चोटियां सोने पे सुहागा। बलदेव जी, मशरूफ से हमारा मतलब। बीरबल जी, बीरबल जी, ये जो मशरूफ भाई साहब है ना, उनको बोलिए कि हमें कुछ जरूरी बात करनी है भाई साहब से। भाई साहब से बाद में आके मिलिए। हाँ भाई साहब, मासा बहुत ही गुस्से में है। उन्होंने हमसे पूछा है कि ये महल की मरम्मत अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई है। बहना बहना, ये देखिए, वही काम तो हम कर रहे हैं। महल की मरम्मत का ठेका का ऐलान करवाया था हमने, सब लोगों ने अपनी अपनी लागत और मेहनताना का ब्यौरा दिया है। आज हम ये तय कर लेंगे कि ये ठेका किसको देना है। अच्छी बात है, सबसे कम किसने मांगा है? हमारे पुराने कारीगर है ना आदिल, उसने इस काम की कीमत 1,00,000 मोहरे लगाई है। और एक नया कारीगर है सलामत, उसने इस काम की कीमत 75,000 मोहरे लगाई। बलदेव जी, हमारे हिसाब से ये काम आदिल को दे देना चाहिए, वो बहुत ही पुराना और भरोसेमंद कारीगर है, उसका काम भी अच्छा। बिरबल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई हमारा काम 75,000 मोहरों में करना चाह रहा है, आप किसी और को 25,000 मोहरे ज्यादा देना चाह रहे हो? मोहरे क्या पेड़ पर उगती है बिरबल जी? बहना बहना, आपने हमारे मुंह के बात छीन ली। हमने फैसला कर लिया है कि ये काम सलामत को ही देंगे। बलदेव जी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, बहुत ही पुरानी कहावत है। हमारे हिसाब से महल का काम किसी नए आदमी को देना हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। बीरबल जी, किससे कौन सा काम करवाना ये हम पर छोड़ दीजिए, हम ये काम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक है, आप अपना काम कीजिए, हम चल के अपना काम करते हैं। इजाजत चाहते हैं रानी साहब? जी जी जी। भाई साहब, ये जो 25,000 मोहरे हमने बचाए ना, उसे हम एक नया हार खरीदेंगे अपने लिए। और हमारे लिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हम आपको कैसे भूल सकते, लाएंगे ना, जरूर लाएंगे आपके लिए। क्या? रुमाल। अच्छा है ना, चलिए। रुमाल, अरे
सलामत जी जी हजूर। महल की मरम्मत का काम कैसे चल रहा है? जी हजूर, आपने हमें मौका दिया, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना भी मत। जी हजूर, क्योंकि तुम्हारा काम खराब हुआ तो जहांपनाह के सामने हमारी नाक नीची हो जाएगी, और जब भी हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारी नाक नीची हो रही है तो हम सामने वाले की नाक काट देते हैं, और जरूरत पड़ी तो उसकी गर्दन भी। नहीं नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। समझदार लगते हो, लगे रहो। क्या कर रहे हैं बादशाह सलामत? अकबर के जानी दुश्मन है, किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो कयामत हो जाएगी, हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। हमारी फिक्र छोड़ो, यहाँ के हालात बताओ। आप देख ही रहे, योजना के मुताबिक हम मुगलाई महल के अंदर आ चुके हैं और काम भी शुरू हो गया। आप बस आप पे भरोसा रखिए, महल का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और इन सबको खत्म करने के लिए जो सामान चाहिए उसका क्या? कर रही है, सामान का इंतजाम हम महल में अंदर कर लेंगे। बस आपका मकसद पूरा होकर रहेगा इंशाल्लाह। आमीन। आप ना होती तो हमारा क्या होता? हमारा दिल करता है कि आपको चूम लें, बाहों में भर लें आपको। वैसे बाहों में भरना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आप काफी बड़ी हैं, भारी हैं। रानी साहिबा से थोड़ी कम हैं लेकिन फिर भी बड़ी तो हैं। चलिए आपको चूम ही लेते हैं। जाबना, ये आप इस बैठक को क्यों चूम रहे? बीरबल, इससे हमें वो मिलता है जो इस पूरे महल में हमें और कहीं नहीं मिलता। क्या? चैन, सुकून, आराम। बीरबल, जब तक सिर्फ रानी साहिबा थी तब तक दो चार पल सुकून के हमें मिल भी जाते थे, लेकिन जब से उनकी मासा सासू अम्मी यहाँ पर आ गई हैं, चैन सुकून आराम इन शब्दों का मतलब क्या है हम ये तक भूल चुके हैं। जहाँ पना, जल्दी ये सब छोड़िए और हमारे साथ चलिए, मासा बुला रही है आपको। क्यों? हमने ऐसा क्या किया? बीरबल जरा याद कीजिए, आज के पूरे दिन में हमसे कोई गलती हुई है? नहीं जापना, आज आपने कोई गलती नहीं की। जहां तक हमें याद पड़ता है हमसे कोई गलती नहीं हुई है, फिर वो हमें क्यों बुला रही है? लेकिन अगर वो हमें बुला रही है मतलब हमसे आज के दिन में कुछ तो ऐसा हुआ है जो उनकी नजर में गलत है। हमने तो अपना खाना भी 40-40 बार चबाकर ठीक से खाया है, हमारे जबड़े अब तक दुख रहे हैं, हमने वर्जिश भी की है, योगा किया, सब कुछ तो किया जो उन्होंने हमसे करने के लिए कहा, फिर क्यों हमें याद कर रही है वो? अरे अरे डरिए मत जापना, मासा ने अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं, वो लड्डू खाने के लिए बुला रही है आपको। देखा जापना, आप खामा खाई हर बात में डर जाते। लड्डू बनाए, लड्डू जाइए। आपको पता नहीं है बीरबल, इसमें भी जरूर उनकी कोई चाल है। जापना, मासा ने आपके लिए नीम के लड्डू बनाए, अब इसमें क्या चाल हो सकती है? नीम के लड्डू, देखा आपने बीरबल, इस तरह हमें तिल तिल करके मारने की कोशिश की जा रही है। ओह,
हो जहाँ पना, किसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप। अरे नीम के लड्डू खाने से आपके शरीर में आपका खून साफ हो जाएगा, ज्यादा जिएंगे आप। अगर ऐसा है रानी साहिबा तो ये नीम के लड्डू आप खा लीजिए, हम थोड़ा कम जिएंगे हमें चलेगा, आप जी लीजिए और जी लीजिए आप। उबो, उबी, जल्दी से सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वासु, हम सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे कैसे? हाँ, तो कॉल कर देखिए ना। अरे जल्दी आइए और अपनी कला पेश कीजिए। आपकी ये कला, आपका ये हुनर तो कमाल का है, आपकी तारीफ। पुपु, अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूंगा मैं? आपकी तारीफ नहीं, इनकी तारीफ। अरे पुपु, ये मोहसिन है, मोहसिन जगह जगह घूमकर अपनी कला का प्रदर्शन किया करते हैं। हाँ, आजकल हमारी रियासत में आए हुए पुपु। पुपु, ये जो अभी आपने देखा ना, ये तो बस नमूना था, नमूना। अभी अगर आप इनके असली खेल देखेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा। अरे जहाँ पना अभी है ना, ये महल की मरम्मत का काम भी खत्म हो जाने वाला है, तो जश्न के लिए हमने अपनी कुछ सहेलियों को बुलाया है। थोड़ा सा जल जाएगी महल को देखकर, हमें बड़ी खुशी होगी। तो हम सोच रहे क्यों ना जश्न के लिए इस मोहसिन को बुलाया जाए, वो अपनी कला दिखाएगा और हमारी सहेलियां खुश भी हो जाएंगी। माफ कीजिए रानी साहिबा, पर हम तो बंजारे हैं, आज यहाँ कल वहां, एक जगह कैसे रुक सकते हैं? अरे मोहसिन जी, बस कुछ दिनों की बात है, आप हमारे महल में हमारे शाही मेहमान बनकर रहिए। जैसे ही आपने अपना ये खेल, अपना ये हुनर हम सबको दिखाया, उसके बाद आप जा सकते हैं। ये करने के लिए हम आपको एक बहुत बड़ा इनाम देंगे, इतना बड़ा इनाम कि आप खुश हो जाएंगे। कैसी जापना की मर्जी। चलिए रानी साहिबा, हमें जरा शामगढ़ जाना है, शामगढ़ के राजा से मिलने के लिए। बीरबल को हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, हम कुछ दिनों में लौट आएंगे। जैसे ही आपका ये जश्न होगा, उस जश्न के एक दिन पहले हम वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए बीरबल। अरे जहाँ जाना है वहाँ जाइए जहाँ पना, लेकिन पहले मासा के बनाए हुए नीम के लड्डू खाने पड़ेंगे। चलिए चलिए चलिए। हाँ तो खाएंगे ना, जश्न का जो दिन होगा उस दिन खाएंगे, जश्न भी होगा साथ में नीम के लड्डू खाएंगे। चलिए बीरबल, चलिए। चलो मोहसिन। रुको, इधर आओ। कौन हो तुम? तुम इतनी रात को तुम शस्त्रागार में क्या कर रहे थे? मैं वो हम देखने गए थे कि वो क्या क्या मरम्मत करनी है। अच्छा, इस गठरी में क्या है? खोलो इसे, हमने कहा खोलो इसे, वरना अभी के अभी हमें वजीर आजम को बुलाना पड़ेगा। खोलो इसे।
देखना चाहता था ना इस गठरी में क्या है। इसमें महल के लोगों की मौत का सवाल है। क्या है? मौत का सवाल। सबको मार डालूंगा मैं।